हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहे हैं हमसे। इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोवी हुज लेंथ इज 2 इंच एंड ब्रेथ इट्स ब्रेथ एंड द एरिया ऑफ एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। यानी कि वो ये कह रहा है कि मतलब कोई एक डिजाइन पॉसिबल है जो कि बेटा कैसी होगी, रेक्टेंगुलर मैंगो रेक्टेंगल होगी बेटा। किसकी बेटा होगी रेक्टेंगल, मैंगो ग्रोवी की होगी। मैंगो ग्रोवी मतलब एक प्रकार से बगीचा समझ लो बेटा। कैसा होगा वो हमारा रेक्टेंगुलर शेप में होगा बेटा। कैसा होगा हमारा वो बगीचा, रेक्टेंगुलर शेप में होगा। तो दो बेटा, हम लोगों ने एक रेक्टेंगुलर शेप बना लिया है, ठीक है बेटा, जिसकी लेंथ बेटा हमारी कैसी होगी, इट्स 2 इंच एज 2 इंच इट्स ब्रेथ। लेंथ बेटा हमारी कैसी होगी, डबल होगी बेटा। किसकी होगी, ब्रेक की होगी बेटा, गुगनी होगी बेटा। किसकी होगी बेटा, ब्रेक की होगी। तो दो बेटा, हम लेंथ इसकी बेटा हम लोग क्या मान लेंगे, एस मान ले रहे हैं, सॉरी ब्रेथ बेटा हम लोग इसकी एस मान ले रहे हैं। तो बेटा हमारी लेंथ क्या हो रहेगी, 2s हो रहेगी। एरिया बेटा में कितना दिया हुआ है, 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो हम लोग कर लेंगे लेट, सबसे पहले बेटा हम लोग क्या मानेंगे, ब्रेथ। ब्रेथ बेटा हमने कितनी मान ली, एस मान ली। तो बेटा लेंथ हमें कितनी मिल जाएगी, लेंथ बेटा हमें मिल जाएगी 2s मिल जाएगी, क्योंकि उसने बेटा यहाँ पे बोला हुआ है 2 इंच इट्स ब्रेथ, 2 इंच इट्स ब्रेथ। बेटा हमारी कैसी है बेटा, 2 इंच से दुगुनी है बेटा, तो 2s हो जाएगी, ठीक है। अच्छा अब दो बेटा, एरिया बेटा में कितना हुआ दिया हुआ है, एरिया 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेटा हमारा कितना होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, एल इंटू बी होता है। क्या होता है बेटा हमारा, एल इंटू बी होता है। तो रख देंगे बेटा इसी में बेटा रख दो। एरिया बेटा में कितना दिया हुआ है, 800 दिया हुआ है, 800 एक्वल बेटा एल हमारे पास कितनी है, एल दो बेटा हमारे पास 2s है, तो 2s इंटू बेटा कितने से हो जाएगा, ब्रेथ बेटा कितनी है, एस से, तो यहाँ पे बेटा एस हो जाएगी। 800 एक्वल बेटा कितना हो जाएगा, 2s स्क्वायर अपॉन में चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा बेटा। यहाँ पे तो उसे काट दो बेटा, 400 बचेगा हमारा, यहाँ पे कितना बचा बेटा, 400 इक्वल एस स्क्वायर, अंडर रूट 400 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, एस बचेगा। क्या बचेगा बेटा, यहाँ पे 20 बचेगा इक्वल एस बेटा। एस इक्वल बेटा कितनी निकलेगी हमारी, 20 निकलेगी। यानी कि बेटा हमारी ब्रेथ कितनी निकलेगी बेटा, ब्रेथ बेटा हमारी कितनी निकली बेटा, 20 निकली। लेंथ बेटा कितनी निकलेगी, लेंथ बेटा हमें कितनी दी गई बेटा, 2 इंटू एस थी ना हमारी, 2 इंटू एस थी, तो रख दो यहाँ पे 2 इंटू 20 एक बेटा कितना हो जाएगा, 40 मीटर। यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, मीटर। यानी बेटा हमारी ब्रेथ कितनी निकली बेटा, 20, और लेंथ बेटा कितनी निकली, 40, ठीक है बेटा। तो जस्ट दो डबल भी है, कितनी बेटा, 2 टाइम्स है ना, तो डबल है, 2 इंच है, तो लेंथ निकलाई और ब्रेथ निकलाई। नोट कर लो बेटा इसे, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। लिखा हुआ है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या बेटा जो सिचुएशन होगी बेटा, जो मतलब इक्वेशन होगी बेटा, वो क्या हमारी पॉसिबल होगी, बहुत ज्यादा बाद में पता चलेगा। If for determine their present age, तो बेटा हमें क्या निकालनी होगी बेटा, एज भी निकालनी होगी, ठीक है। द सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 इयर्स बेटा, दो दोस्त हैं बेटा जिनकी बेटा एज का सम कितना दिया गया बेटा, मैं 20 इयर्स दिया गया। 4 इयर्स एगो बेटा, 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स वॉज 40 बेटा, 4 साल पहले बेटा जो लोग एज थी बेटा वो कितनी थी, 48 थी बेटा, दोनों की बेटा एज ला के बेटा कितनी थी, 48 थी बेटा। तो दोनों की इसके बेटा क्या होगा, मल्टीप्लाई हुआ होगा, प्रोडक्ट बेटा प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है बेटा। कितना था बेटा, 48 था। तो दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन बेटा क्या बनेगी हमारी, फर्स्ट कंडीशन लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, फर्स्ट फ्रेंड बेटा हम एज क्या मान लेंगे, एस ईयर मान लेंगे बेटा, कितनी बेटा, एस ईयर मान लेंगे। सेकेंड दोस्ती दो हो बेटा, सेकेंड फ्रेंड की, तो दो हो बेटा, फर्स्ट फ्रेंड प्लस सेकेंड फ्रेंड की बेटा जो एज होगी बेटा वो कितनी है, 20 इयर्स है बेटा, उसने हमें दिया हुआ है यहाँ पे, दो हो 20 इयर्स बेटा सम दिया हुआ है। यानी बेटा जो पहला दोस्त है बेटा और जो दूसरा दोस्त है बेटा जिनकी बेटा एज का सम बेटा कितना दिया हुआ है, मैं 20 दिया हुआ है। तो बेटा पहले दोस्ती बेटा हमने एज क्या मान ली है, एस ईयर मान ली है, एस प्लस कितना हो जाएगा बेटा, सेकेंड दोस्ती एज इक्वल बेटा कितना रहेगा, 20। अब बेटा मैं किसी निकाल बेटा, सेकेंड फ्रेंड की बेटा एज निकालनी है, तो बेटा दोस्त सेकेंड फ्रेंड की एज इक्वल बेटा कितना रहेगा, 20 माइनस एस कितना रहेगा बेटा, 20 माइनस एस हो जाएगा। तो अब दो
एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, सेकेंड फ्रेंड की बेटा एज हमारी कितनी हो रहेगी 20 माइनस एस हो गई बेटा, कितनी हो गई बेटा 20 माइनस एस ईयर्स, तो दो बेटा फर्स्ट फ्रेंड की बेटा एज क्या थी हमारी एस ईयर और सेकंड फ्रेंड की बेटा एज हमारे पास क्या है 20 माइनस एस ईयर बेटा, जो तो हो गई पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन दो बेटा, सेकंड कंडीशन बेटा उसने बोला है कि दोनों एजों का बेटा प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है बेटा हमें 48 वो बेटा कब, चार साल पहले तो दो बेटा 4 years ago, ठीक है बेटा 4 years ago बेटा पहले फ्रेंड की क्या हो रहेगी फर्स्ट फ्रेंड एज कितनी हो रही बेटा 4 साल पहले है, तो बेटा 4 का सबट्रैक्ट करा देंगे हम इसकी एज में, तो एस माइनस 4 हो गई, एस माइनस 4 years। सेकंड फ्रेंड की दो हो बेटा, सेकंड की बेटा कितनी रहेगी, इसी बेटा माइनस 4 करा दें तो 20 माइनस एस माइनस 4 बेटा कितनी बचेगी 60 माइनस एस ईयर बेटा क्या बची बेटा इसकी एज बची, तो फर्स्ट फ्रेंड की बेटा क्या आ गई यहाँ पे 4 पहले की एस माइनस 4 और सेकंड फ्रेंड की बेटा एस माइनस एस। तो दो बेटा हम लोग बेटा इसकी इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, इसकी इक्वेशन बनेगी बेटा एस माइनस 4 पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो रहेगा 60 माइनस एस इक्वल बेटा कितना दिया हुआ हमें 48 बेटा, ये क्या बनेगी हमारी इक्वेशन बनेगी बेटा, इसे हम सॉल्व करेंगे। पहले बेटा इतना राइट कर लो बेटा, फिर आऊँगा बढ़ाता हूँ मैं। तो दो बेटा इक्वेशन क्या मिला गई बेटा हमें एस माइनस 4 दूसरे बैठक बेटा दूसरे ब्रैकेट में है बेटा 16 माइनस एस इक्वल बेटा कितना 48 बेटा, करा दो मल्टीप्लाई बेटा, मल्टीप्लाई करा देते बेटा कितना हो रहेगा बेटा यहाँ पे हमारा 16s माइनस एस स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4s इक्वल 48, ठीक है बेटा इन सबको अच्छे से ऐड कर लेते हैं बेटा। तो दो अच्छे से कैसे ऐड करेंगे इसे, ये हमारा यहाँ पे चला जाएगा मतलब इन सबको बेटा साइड ही भेज दो एक काम करो अच्छा, तो s स्क्वायर माइनस 20s दो बेटा जे भी प्लस जे भी दो बेटा यहाँ पे प्लस का जे भी बेटा यहाँ पे प्लस का वहाँ पे रहेंगे बेटा कैसे रहेंगे दोनों नेगेटिव हो रहेंगे बेटा, तो नेगेटिव हो गया पर दोनों बेटा कैसे हो रहेंगे ऐड हो रहेंगे तो बेटा कितना रहेगा 20s हो जाएगा बेटा, यहाँ ये प्लस का है साइड का बेटा कैसा हो रहेगा माइनस का हो जाएगा, सॉरी बेटा यहाँ पे कैसा है बेटा माइनस का है ठीक है, साइड का बेटा कैसा रहेगा प्लस का हो जाएगा, तो बेटा ऐड करा दो इसी में, इसी बेटा ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 112 यानी कि 112 बेटा, जो क्या बन गई हमारी इक्वेशन बन गई बेटा, जो क्या बन गई बेटा हमारी इक्वेशन बन गई, यहाँ से क्या निकालेंगे बेटा ए की वैल्यू ए की बन हो गई, बी की बेटा कितनी रहेगी माइनस 20, सी की वैल्यू बेटा कितनी रहेगी 112 हो गई, ठीक है बेटा। हम लोग क्या करेंगे बेटा यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का बेटा फॉर्मूला लाएंगे, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो रख दो बेटा माइनस 2 माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112 कितना रहेगा बेटा 400 माइनस ठीक है 844 बेटा करा दो सबट्रैक्ट बेटा, सबट्रैक्ट कराएंगे बेटा कितना बचेगा हमारा यहाँ पे माइनस का 48 यानी बेटा डी हमारी कैसे निकली, डी बेटा हमारी कैसे निकली बेटा नेगेटिव निकली बेटा, कैसे निकली बेटा नेगेटिव निकली बेटा, नेगेटिव निकलती है तो क्या होता है बेटा रूट हमारे काउंट नहीं होते बेटा, नो रूट बेटा हमारे रूट नहीं मिलेंगे हमें बेटा, हमें रूट नहीं मिलेंगे, तो जी हमारा हो गया बेटा क्वेश्चन सॉल्व, इससे बेटा ऐड करो फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाँ तो बच्चों अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 5 की बेटा, लिखा हुआ है इट इज द पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पाथ ऑफ पैरामीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर बेटा, उसने बोला है हमें के रेक्टेंगुलर क्या बेटा हमारी रेक्टेंगुलर पाथ डिजाइन हो सकती है जिसका बेटा पैरामीटर कितना दिया बेटा उसने हमें, जिसका बेटा पैरामीटर उसने हमें कितना दिया है 80 मीटर स्क्वायर एंड बेटा एरिया कितना दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एट ब्रेथ, तो बेटा हमें क्या निकालनी है बेटा लेंथ निकालनी है और ब्रेथ निकालनी है, तो दो बेटा उसने क्या बोला हमसे कैसा है बेटा रेक्टेंगुलर बेटा क्या है पार्क है बेटा रेक्टेंगुलर है, तो बेटा ये क्या होगी एल होगी बेटा, ये क्या होगी ब्रेथ होगी ठीक है, पैरामीटर बेटा उसने क्या दिया हुआ है बेटा हमें 80 मीटर बेटा कितना दिया हुआ है 80 मीटर, एरिया बेटा कितना दिया हुआ है उसने हमें 400 मीटर स्क्वायर ठीक है बेटा 400 मीटर स्क्वायर बेटा उसने हमें पैरामीटर दिया हुआ है, तो दो बेटा पैरामीटर पैरामीटर एक्सल बेटा कितना होता है 2 × l + b होता है ना 2 × l + b बेटा पैरामीटर उसने हमें कितना दिया हुआ है 80 दिया हुआ है ठीक है बेटा 2 × l + b रहेगा हमारा यहाँ पे ठीक है, अकाउंट में चला जाएगा बेटा कितना बचेगा 40 इक्वल बेटा कितना हो गया l + b हो गया
ठीक है बेटा, जब हमारी क्या बन जाएगी बेटा, हमारी बन जाएगी बेटा पहली कंडीशन, ठीक है पहली क्वेश्चन बन गई। दूसरी दो बेटा एंड, दूसरी दो बेटा एरिया कितना दिया हुआ बेटा उसने हमें, एरिया बेटा कितना दिया हुआ, एरिया बेटा क्या होता है रेक्टेंगल का, एल इंटू बी होता है, कितना दिया हुआ बेटा उसने हमें 400 इक्वल बेटा कितना एल इंटू बी। बेटा जी क्या बनेगी हमारी सेकेंड इक्वेशन बेटा, जी क्या बनेगी हमारी सेकेंड इक्वेशन बेटा, सेकेंड इक्वेशन बन गई है ना हमारी। अच्छा अब यहाँ से दो बेटा हम लोग बी की वैल्यू निकाल लेंगे बेटा, किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम यहाँ से, बी की वैल्यू निकाल लेंगे क्या हो जाएगा बेटा हमारा यहाँ पे, या एक काम करो यहाँ से बी की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से बी की वैल्यू निकाल लेते बेटा क्या हो जाएगा हमारा, बी को बेटा हमारा हो जाएगा 400 अपॉन एल, क्या हो जाएगा बेटा 400 अपॉन एल हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा 400 अपॉन एल बेटा। इससे हम लोग कहाँ पुटअप कर रही है बेटा, एक क्वेश्चन बन में बेटा, हम लोग पुटअप कर रही है बेटा, एक क्वेश्चन बन हमारी क्या है, एक क्वेश्चन बन बेटा हमारी है 40 इक्वल एल प्लस बी, रख दो बेटा इसमें, पुट कर दो बेटा, पुट द वैल्यू ऑफ बी, रख दो बेटा 40 इक्वल टू एल प्लस बी, बेटा बी की वैल्यू कितनी है 400 अपॉन एल अपॉन यहाँ पे बेटा बन ले ले बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा एल बेटा यहाँ पे क्या रहेगा बेटा एल से आ जाएगा, बनकर बेटा एल में देंगे बेटा एल टाइम ही जाएगा बेटा, एल को वो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा एल स्क्वायर, यहाँ बेटा कितना हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर रहेगा बेटा 400 तो बेटा कैसे चलेगा 40 के, तो 40 इक्वल बेटा दो यहाँ पे क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो बेटा यहाँ पर रहेगा 40 एल इक्वल बेटा एल स्क्वायर प्लस के 400 बेटा, ये इस साइड आएगा बेटा कैसा रहेगा माइनस को रहेगा, तो एल स्क्वायर माइनस 40 एल प्लस 400 इक्वल टू जीरो बेटा, जो हमारे क्या निकल आई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल आई है बेटा, इसे क्या करा दो कंपेयर करा दो बेटा, कंपेयरिंग कराएंगे बेटा किससे कराएंगे एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी से बेटा, क्या मिल जाएगी हमें ए की वैल्यू, ए बेटा कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, बी को बेटा कितना हो जाएगा हमारा माइनस 40 हो जाएगा, सी को बेटा कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा बेटा, इसे बेटा ए बी सी की वैल्यू निकल आई ना हमारी, तो अब इसे जल्दी राइट कर लो फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ, जल्दी बेटा ऐसे राइट करो। तो दो बेटा एक को बेटा हमारे पास है 1, बी को बेटा हमारे पास है माइनस 40, सी को बेटा हमारे पास है 400 बेटा, इसे बेटा किस में रखेंगे, इसमें बेटा दो नेचर रूट वाले में रख दो बेटा, नेचर ऑफ रूट वाले में रख दो बेटा ऐसे, तो ऐसे को बेटा कितना हो जाता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, रख दो बेटा यहाँ पे बी कितना है माइनस और माइनस 40 प्लस माइनस बी क्या हो जाएगा बेटा माइनस 40 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400 अपॉन 2 इंटू ए 2 इंटू ए कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 40 बचेगा यहाँ पे प्लस माइनस बचा यहाँ पे, ठीक है जी कितना हो जाएगा बेटा 4 4 16 0 0 ठीक है माइनस 4 4 16 0 0 अपॉन 2 बेटा कितना बचेगा यहाँ पे 40 प्लस माइनस अंडर रूट 0 अपॉन 2 बेटा इतना बचा। देखो बेटा कोई सा भी ले लो, अगर बेटा पॉजिटिव लेंगे तब भी बेटा हमारा यहाँ पे क्या बचेगा 0 बचेगा, मतलब यहाँ पे क्या बचेगा बेटा 40 बचेगा, अगर बेटा नेगेटिव लेंगे तब भी बेटा हमारा क्या बचेगा यहाँ पे 40 ही बचेगा, तो दो बेटा डायरेक्ट बेटा से कर लेते हैं 40 अपॉन 2 हो जाएगा बेटा, एस को बेटा कितना रहेगा 40 अपॉन 2 काट देंगे बेटा कितना बचेगा 2 बचेगा 20 बेटा, एस की वैल्यू बेटा कितनी निकलाई हमारी 20 निकलाई बेटा, एस हमारी क्या निकल रही थी यहाँ पे, एस बेटा हमारी क्या चल रही थी बेटा जी हमारी बेटा किसके अंडर में चल रही थी एल के अंडर में चल रही थी बेटा, किसके अंडर में एल के अंडर में, यानी कि हम इसे एस की जगह बेटा क्या ले सकते हैं एल भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं बेटा एल भी ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है तो एल बेटा हमारी निकली कितनी निकली बेटा 20 निकली, ठीक है और इधरी पे देख लो बेटा इधरी पे देखो बेटा एस 20 निकलेगी तो हमारी बी क्या निकलेगी 400 अपॉन 20 हो जाएगा, काट देंगे बेटा 20 निकलाई, यानी कि लेंथ बेटा हमारी कितनी निकल आई है, लेंथ तो बेटा कितना हो गया 20 होगा, ब्रेथ इक्वल बेटा कितना हो गया 20 हो गया, ठीक है 20 मीटर और 20 मीटर, तो लेंथ और ब्रेथ बेटा हमारी कितनी निकल आई है 20 मीटर और 20 मीटर, तो बेटा यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट हो चुकी है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा।